आई एम राहुल। आज बात करते हैं यूज ऑफ सम एंड एनी। गाइस, जो सम एंड एनी का यूज है ग्रामर, वो हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है, और खास करके आप देखते हो कि सम और एनी के जो हम यूज करते हैं उन पे खास करके जो हम लोगों को एरर और मिस्टेक हो जाते हैं, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और नॉर्मली यू फाइंड कि इस पे जो डिडक्शन ऑफ मार्क्स होता है वो भी हो जाता है। तो आज हम जानते हैं कि जो जनरल रूल्स है, आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, जनरल रूल्स ही जाने सम और एनी का। तो सम और एनी का जो जनरल रूल्स है वो सम और एनी गाइस प्लूरल नाउंस के साथ में यूज किया जाता है, या हम लोग सम और एनी का यूज कहां करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ। कोई भी जब अनकाउंटेबल या प्लूरल नाउन हो तो वहां पे क्या यूज करते हैं हम लोग, सम एंड एनी। और जो जनरल रूल होता है सम का यूज गाइस हम करते हैं जो प्लूरल नाउंस होता है, और कौन सा प्लूरल नाउन, तो पॉजिटिव, इन पॉजिटिव सेंटेंसेस हम लोग सम का यूज करते हैं प्लूरल नाउन के साथ। एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आई हैव सम आइडियाज, या आई हैव सम आइडियाज, तो यहां पे पॉजिटिव सेंटेंस है और यहां पे हम लोग क्या यूज किए हैं, सम का यूज किए हैं। वैसे ही जो एनी का यूज होता है वो निगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस जो होते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसे क्वेश्चन सेंटेंसेस भी बोलते हैं, उनके साथ गाइस हम यूज करते हैं एनी का। एनी का यूज फिर से एक बार आपको रिपीट करें, सम का यूज जो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है प्लूरल नाउंस में, और एनी का यूज जो होता है वो प्लूरल नाउंस लेकिन निगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस में। जैसे इसके भी एग्जांपल हैं, वही एग्जांपल मैं आपको निगेटिव में बताता हूं। आई डोंट हैव एनी आइडियाज, मैंने सम के लिए बताया था आई हैव सम आइडियाज। अब यहां पे जब निगेटिव हम बनाएंगे तो आई डोंट हैव एनी आइडियाज, इसी को क्वेश्चन में हम चेंज कन्वर्ट करेंगे तो डू यू हैव एनी आइडियाज। तो ऐसे करके जो निगेटिव और जो क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं उसमें एनी का यूज करते हैं, और सम का यूज जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें किया जाता है। और भी बहुत सारे रूल हैं सम और एनी के रिगार्डिंग, लेकिन जो जनरल रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए पहले, क्योंकि चीजें बहुत गलतियां हम कर बैठते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी सम का यूज क्वेश्चन सेंटेंस में भी कर देते हैं, जैसे कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ ड्रिंक करने के लिए, ड्रिंक मतलब क्या, कॉफी और टी, या तो जो भी यहाँ पे स्पीकर है वो क्या ऑफर कर रहा है, वो ऑफर कर रहा है जो कि लिमिटेड च्वाइस है, या लिमिटेड च्वाइस है कॉफी और टी का। तो यहां पे जब लिमिटेड चॉइस कहीं होता है तो हम क्वेश्चन सेंटेंस में भी सम का यूज कर सकते हैं। और एनी का यूज होता है क्वेश्चन जब हम लोग क्या करते हैं, चॉइस को लिमिट नहीं रखते हैं। वुड यू एनीथिंग टू ड्रिंक, वुड यू लाइक एनीथिंग टू ड्रिंक, या वुड यू लाइक एनीथिंग टू ड्रिंक, यहां पे क्या है, होल रेंज बोल रहा है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी वो ड्रिंक करने के लिए ला सकता है। लेकिन वहां पे जो था, वहां पे सम का यूज हम लोग किए थे क्वेश्चन में, तो वहां पे कॉफी और टी का लिमिटेड चॉइस था। तो जब लिमिटेड चॉइस होता है वहां पे भी सम का यूज करते हैं, और एनी का यूज जहां लिमिटेड चॉइस नहीं होता है वहां पे करते हैं। इसके गाइस बहुत सारे कंपाउंड नाउंस भी होते हैं सम और एनी का, जो समथिंग हो गया, समथिंग का जो होता है वो एनीथिंग हो गया, उसके बाद समवेयर, एनीवेयर, समवन, एनीवन, तो ऐसे करके इसके जो कंपाउंड नाउंस होते हैं वो होते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन सम एंड एनी, और आपको ये आइडियाज हेल्प करेगा अपने ग्रामर पोजीशन को, ग्रामर पोर्शन को बिल्डअप करने में, इंप्रूव करने में। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, एक बार फिर से कहना चाहता हूं आप सब्सक्राइब करें टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ द वीडियोज, और ऐसे ही ग्रामर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, चीजें होंगी, मैं आपको थ्रू वीडियोस आपके पास लाता रहूंगा। इफ यू लाइक दिस पुट द लाइक बटन, थैंक यू।